नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज़। आज शहर के इलोरा पार्क और गुरुआ विस्तार को रेड जोन घोषित किए जाने की अफवाह फैली थी। इलोरा पार्क मिल सेंटर के आसपास के 16 दुकानों के संचालक कोरोना पॉजिटिव आने की अफवाह ने जोर पकड़ा था। तब विस्तार के नगर सेवक राजेश आयरे ने इलोरा फ्लोर मिर की वही दुकानों पर पहुँच के इस पूरी अफवाह का खुलासा किया था। वहीं एक फ्लोर मिल के संचालक की पत्नी की कई बीमारियां और संदिग्ध कोरोना के चलते मौत होने के बाद फ्लोर मिल के संचालक को होम क्वारंटीन किया गया है, जिसकी असर आसपास के किसी भी दुकान पे नहीं हुई है और अभी इलोरा पार्क की सभी दुकानें अपने नियम अनुसार खुली है। तब इस पूरी अफवाह का खुलासा करते हुए नगर सेवक राजेश आयरे ने ऐसी अफवाह फैलाने वाले शख्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की थी। तमें समग्र तमें जो ही रहा छो के या मारी साथे बदाज वेपारी अँ उभा है जे रीतना एक राजू घंटीवाड़ा त्याँ आने पॉजिटिव आयो है एना मिसिज एक्सपायर थी गयु 14 लोगों ने पॉजिटिव आया है 14 दुकानदारों ने आया है इलोरा पार्क मिल्क में आया है। तो आज रीतना जे रीतना आ विस्तार ने रेड जोन कर आ बदी जो विषयों तद्दन फेक न्यूज है। फक्त ने आज तब जो रहा छो कि आ नवदुर्गा फ्लोर मिल जो राजू भाई एमने ऑलरेडी कॉर्पोरेशन डॉक्टर साथ मैं बातचीत कर लीधी है और डॉक्टरे स्पष्टपणे कही दीधु कि भाई राजू भाई ने अमें होम क्वारंटाइन कराया है, साथ साथ एमना भी पोताना टेस्ट करवामां आया है। एमना मिसिस ने सस्पेक्टेड कोरोना हतो अने एमने मल्टीपल बीमारी हती, एमने ए पोते हाथीखाना में रहे एटले आनी जोड़े कोई कंसल्ट नथी। अहींया कोईपण वेपारी ने कोईपण जातनो कोरोना आयो नथी, पण फक्त ने फक्त केटलाक लोकोए आ विस्तार ने बदनाम करवा माटे आ विस्तार ने रेड जोन कर देवामां आव्यो छे। आ विस्तार नी अंदर आ थयुं छे, आ विस्तार ना 15 वेपारीओ ने कर्युं छे, तो अमे एने सख्त शब्दों में वंखोड़ीए छे। आवा फेक न्यूज जे पण मोकलता छे एनी सामे कायदेसर नी कार्यवाही थवी जोईए। मारी दुकाने शक्ति मेडिकल स्टोर छे, एड्रेस अने इलोरा पार्क शॉपिंग सेंटर 4 इलोरा अने त्यां मेडिकल स्टोर छे। अने काल बपोर पछी एक एवा मेसेजो ने एवा मेसेज फरता थया पछी अमारा ग्राहकोना उपरा छापरे एटला बधा फोन आवे छे के तमे जवाब आपवो पण अघरो पड़े एवुं छे, अने जे आ सत्यथी बिलकुल वेगळा छे आवा मेसेज। अहींया एवुं कोई बनाव छे એટલે એવો કોઈ પણ જાતનો એવો બનાવ નથી, કોઈ વેપારીને કોઈ કારણ નથી, બધા સંપૂર્ણ રીતે વ્યવસ્થિત ધંધાઓ ચાલી રહ્યા છે। કે ભાઈ આ બધા ફેક મેસેજ સવારથી આવે છે, 2 દિવસથી ચાલે છે, કાલે બહુ ઓછા હતા, આજે તો સવારથી કન્ટિન્યુઅસ આવે છે અને લોકોના ફોનો આવે છે આપણા ઓળખી દેવાના કે ભાઈ આ શું છે, સાચી વાત છે, અને આ ટોટલી ફેક ન્યૂઝ છે, કોઈએ અફવા ઉડાવી છે, અને રોજ નવી નવી વાતો આવી રહી છે, નવી નવી અફવાઓ આવી રહી છે કે પહેલાં ઓનરને થયા, પછી દુકાનના માણસોને થયા, શોપિંગ બંધ કરાવવું, એ બધી ખોટી વાતો છે। આખા શોપિંગમાં એક કે COVID-19 પેશન્ટ નથી, શોપિંગ રાબતા મુજબ ચાલુ છે, બધું રેગ્યુલર કામકાજ છે, કોઈને કોઈ તકલીફ નથી, આ બિલકુલ ફેક ને ફેક વાત છે આખું।